चल रहा है और लॉकडाउन थ्री का भी ऐलान हो चुका है, बावजूद इसके भी पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके मजदूर वर्ग अपने गंतव्य को जाने को है मजबूर। सरकार भले ही इन लोगों की मदद का लाख दावा करे, लेकिन लोगों का तो कुछ और ही कहना है। ये लोग कौन है? ये लोग आज में बिठा रहे हैं। कितना रुपया किराया लिया उससे? कितने लोग हैं? लगभग कितने लोग होंगे? 15-16 लोग। कहाँ से लाए उनको? हाँ, कहाँ लेके जा रहे हैं उनको? लखनऊ। इनसे पूछा नहीं कहाँ जाएंगे लोग? इन लोगों की यहाँ टोल पे जांच हुई कहीं? जांच तो यहाँ कहीं नहीं हुई है। कहीं नहीं है। आप कहाँ से आ रहे हो? फतेहाबाद से। कहाँ जाना है आपको? 12 बंकी मंडी जाओगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, हरियाणा से। कहाँ जा रहे हैं? ये क्या आप लोग इस गाड़ी में काम करते हैं कि आप लोग राही हैं? हाँ, काम नहीं करते हैं। एक मिनट हाथ हटाइएगा। आप लोग राही हैं, कहाँ जाना है आपको? इसमें कितने लोग होंगे? लगभग 7-8 लोग। आप लोगों की यहाँ पे स्क्रीनिंग कराई गई? जांच हुई आपकी? कहाँ पे हुई? आगे कहाँ पे? जब ये यहाँ लखनऊ बॉर्डर पे आए हो तब कराई गई कि नहीं? कहाँ से आ रहे हो यार? सर, हम कासगंज से आ रहे हैं। एटा पैदल? हाँ, पैदल ही आ रहे थे सर। अच्छा, कहाँ जाना है? हमको मऊ जाना है। मऊ? कितने दिन लगेगा? लग जाएगा। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आप लोग जा रहे पैदल? सर, हम लोग मतलब वहाँ काम करते थे ना, तो मतलब जो हम काम करते थे तेल से हमको साबुन बेचते थे, तो जितना कमाते थे उतना खाते थे, और जो बचता था उतना बेचते थे। और बाकी जो समस्या है, अभी जो हम लोग काम बंद हो गया, जब काम बंद हो गया तो एक महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो फिर इसके बाद हम क्या किए? जब पैसा जो था तो खत्म हो गया था, जो 2-4 पैसा बचा था, सोचे भाई चले घर चले। कोई सरकारी आपको सहायता नहीं मिली? सरकारी सहायता मिली, हम लोग अभी रास्ते में पुलिस लोग सर मिले तो बताया कि नहीं वहाँ साधन है खाने पीने का, तो हम लोग पहले उधर कोई मतलब बताया नहीं। हाँ, गुड़गांव से। कब चले थे? परसों। जा कहाँ रहे हो? देवरिया। कितना दिन लगेगा अभी? कल 8 बजे तक। कितने लोग हैं साथ में? 3 बच्चे और 5 है। तो क्यों जा रहे हो आप? रात का 12 बजने वाला है। इस वक्त हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में जो लोग गाड़ियों से निकल रहे हैं, चोरी छुप कर जा रहे हैं, इनकी स्क्रीनिंग कौन कराएगा? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जिले में, अपने प्रदेश में आने वाले लोगों को जो है स्क्रीनिंग कराकर उनकी जांच कराया जाए और क्वारंटीन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। हाईवे पे लोग बेधड़क आ जा रहे हैं, ना पुलिस दिख रही है, ना ही प्रशासन के लोग दिख रहे हैं। अगर जल्द ही ऐसा ही रहा तो जल्द ही कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता मानी जाएगी और कोरोना जो है एक बार दस्तक देगा, बहुत ही भयावह रूप में दस्तक देगा।